Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Asam Ansari and you are watching Asam Vlogs. तो गाइज आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कतर फैमिली वीजा प्रोसेस कैसे करते हैं, ठीक है। इसका स्टेप कितना है मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं वीजा रिलेटेड बहुत सारा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ फ्यूचर में, ठीक है। तो गाइज जो पहला प्रोसेस होता है ना, वो होता है जब आप सारा अपना डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट करने के बाद आप ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको मद्रास 2 से अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक जो है देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये मैंने बताया कि आप मद्रास 2 से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा होता है, सेकेंड ऑप्शन होता है EMY की, कोई भी सेंटर में जाके आप फैमिली रेजिडेंस भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप गाइस, ये जब आप अप्लाई कर देंगे तो 2-4 दिन लगते हैं, अप्रूव्ड हो जाएगा और एक वीजा इशू होता है 1 मंथ के लिए, जो आपका वाइफ को यहाँ पे एंट्री करने में मदद करता है, ठीक है। जो थर्ड स्टेप होता है गाइस, जो वो होता है कि जब आपका वाइफ यहाँ पे आ जाए, चाहे आपका चिल्ड्रन यहाँ पे आ जाए दोहा कतर में, तो थर्ड स्टेप में आपको मेडिकल टेस्ट कराना पड़ता है, जो अबू हमूर में मेडिकल कमीशन ऑफिस, वहाँ पे जाके आप लोगों को मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में गाइस, आप लोगों को फिंगरप्रिंट्स कराना पड़ेगा जाके, वो सालवा रोड पे है जेल, जहाँ पे जेल है वहाँ पे उसका ऑफिस है, क्योंकि मैं गया था वहाँ पे मेरे वाइफ को फिंगरप्रिंट्स कराने के लिए, ठीक है। ये फोर्थ स्टेप। और जो फिफ्थ स्टेप है वो है कि ये सारा काम आप हो जाए, मेडिकल टेस्ट हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, तो लास्ट स्टेप में आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है यहाँ का जो कतर ID होता है उसके लिए, ठीक है। तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट आपको लेकर और MOI को सेंटर में जाना पड़ता है। अगर वहां पे आप नहीं गए तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑनलाइन अप्रूव्ड होके यू पोस्ट जो दुआ कतर में, उसे आपका होम पे डिलीवरी हो जाता है, ठीक है। तो गाइस ये 5 इसेंशियल प्रोसेस था। अगर आप कतर फैमिली वीजा रेसिडेंट वीजा प्रोसेस कर रहे हैं तो ये 5 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।